तो हेलो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, दिस इज द वीडियो ऑफ माय नॉवल मॉडर्न मैजिक। तो चलो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। इसलिए आप लोग पहले क्या कर लेना है, आपको 1, 2, 3, 4, 5 ब्लॉक ऐसे खड़े कर लेने हैं। फिर आप लोगों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 ऐसे ब्लॉक खड़े कर लेने हैं। ये जितना खड़ा करना है, और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आप लोगों को ब्लॉक खड़े कर लेने हैं। और उसके बाद आप लोगों को क्या कर लेना है, आपको यहाँ से इसके साइड से इधर से आप लोगों को विंडो बना लेनी है। तो ये वाइट कंक्रीट और मेनली हमारा ग्रे कंक्रीट पे बनेगा, तो लाइट ग्रे कंक्रीट एंड वाइट कंक्रीट, तो ये दो मेन चीज़ें हैं जो हमारी वीडियो में आज यूज़ होने वाली हैं। तो ये आप लोगों ने जब ऐसे बना लिया, आप लोगों को यहाँ पे ऐसे एक दीवार खड़ी कर देनी है। मतलब ये इनर फ्रेम है, ये आउटर फ्रेम है। एंड उसके बाद आप लोगों को क्या कर लेना है, आप लोगों को यहाँ से अपना वॉल लेके जानी है और यहाँ तक स्ट्रेच करनी है। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ से वॉल स्ट्रेच करनी है और यहाँ पे लाके ख़त्म करनी है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे एक ऐसे वॉल आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद आप लोगों को ये जितना स्ट्रेच का लेंथ है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 11 ब्लॉक्स तक यहाँ स्ट्रेच करना है। फिर यहाँ से 1, 2, 3 ब्लॉक, फिर 1, 2, 3, 4, 5 ब्लॉक्स आपको फिर स्ट्रेच करना है। उसके बाद आपको यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 ब्लॉक आपको यहाँ से फिर से स्ट्रेच कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों को क्या कर लेना है, आप लोगों को यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा। तो लेट अस डू दैट क्विकली। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच कर लेना है अपने हाउस को। और उसके बाद आप लोगों को क्या कर लेना है, आप लोग जैसे ही ये कंप्लीट करोगे, आप लोगों को इसको यहाँ एक ऐसे स्ट्रेच करके इसको बैक साइड में लेके आना है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे बैक साइड में लेके आना है। गलत हो गया मुझसे, सॉरी फॉर दैट। यहाँ से जैसे ही यहाँ पे ये विंडो बनेगी, उसके बाद आप लोगों को यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 ब्लॉक्स का डिस्टेंस देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से अपना लाइन लेके जानी है इन टोटल वहाँ तक जहाँ पे हमने ये बनाया। आपको यहाँ से इसको जोड़ना है, यहाँ पे भी सेम 2, 3, 4 क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा आना है जो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। और हाँ फ्रेंड, आप लोग मुझसे ना बीजेज ने पूछा मत करा करो कि मैं इंटीरियर क्यों नहीं दिखाता, इंटीरियर क्यों दिखाता। मैं इंटीरियर बनाता ही नहीं हूँ अपने मॉडर्न मैंशन के साथ। एक्चुअली मैं इंटीरियर ना बाद में बैठ कर सोचता हूँ और उसके बाद आप लोगों को स्पेशल वीडियो में दिखाता हूँ। और अगर मैंने आपको इंटीरियर अपनी वीडियो में दिखाना शुरू कर दिया तो मुझे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, जो आप लोग कंप्लेंट कर रहे हो। फ्रेंड्स, माना आप लोगों की वो कंप्लेंट बिल्कुल ठीक है, माना, पर फ्रेंड्स मेरी भी मजबूरी है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। आई मुझे फास्ट फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा, पर मैं ट्राई करूँगा कि मैं फास्ट फॉरवर्ड ना करूँ। मैं अपनी एडिटिंग स्किल्स बढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, और अब आने वाली वीडियो में जावा एडिशन भी मैं ट्राई करूँगा, मैं आपको लोगों को दिखाऊँ। पर जावा एडिशन लाने के लिए ना इतना आसान नहीं है जावा एडिशन लाना, क्योंकि मुझे जावा एडिशन के लिए कंप्यूटर लेना है और मैं कंप्यूटर पर ले रहा हूँ, अभी थोड़े दिन बाद ही लूँगा। तो इतनी जल्दी तो लूँगा नहीं, क्योंकि अभी उसमें सोचना पड़ेगा कौन सा भी। तो आप लोग जैसे ये वाला वॉल बना लोगे, इसको आपको कम से कम यहाँ तक कनेक्ट करना है, ठीक है। ये आपने यहाँ तक आ गए, तो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ टोटल यहाँ से बनेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ब्लॉक्स तक तो आप जो मैंने दिखाया था। तो 12 आपको बताना है, 12 ब्लॉक्स, 13, 14, 15, 16, 17 ब्लॉक से आप लोगों को यहाँ तक दिख जाना है। और उसके बाद आप लोगों को वहाँ बैक साइड में कनेक्ट करना है। आप लोग उसको बैक साइड में कनेक्ट करो, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि उधर डोर की साइड क्या बनाना है। और उसके बाद आप लोगों को वॉल्स में कुछ और मैं एडिशन करवाऊँगा, तो वो एडिशन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो आप पहले वॉल्स बनाओ और मैं मिलता हूँ आप। ओके फ्रेंड्स, तो आफ्टर आप लोगों ने ये जब बना लिया है सारी की सारी वॉल्स, उसके बाद आप लोगों को क्या कर लेना है, आप लोगों को ग्लास, मतलब ये सारा आइटम जो मैंने आप यहाँ पे आपको यहाँ दे रखा है, एरो आप लोगों को दिख रही होगी, तो जो जो मैंने आप लोगों को दे रखा है वो आप लोग फटाफट से ले लो और ये ऐसे लगा लो। तो आप लोगों को जब आपके पास ग्लास आ जाए तो आप लोगों को यहाँ विंडो में ऐसे लगा लेना है, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आ जाना है और फिर से यहाँ विंडो में अपना ग्लास जो है वो लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या कर लेना है, यहाँ पे हाफ
मतलब हाफ आपका ग्लास आएगा और हाफ आपको कंक्रीट आएगा, तो यहाँ पे आपका हाफ तो ग्लास आ जाएगा, तो यहाँ हाफ ग्लास यहाँ और हाफ ग्लास यहाँ, और उसके बाद ओके यू आफ्टर यू डन विद दिस, और वो गलत हो गया ना, और ये यहाँ गलत गलती से हो गया। और अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे दो डो यूएस प्ले कर लेने हैं, और आप लोगों को ले लेना है एक वाइट कॉन्क्रीट ब्लॉक, सॉरी मैं वो ऐड करना भूल गया था अपनी लिस्ट में, तो जैसे आप लोग यहाँ पे वो कॉन्क्रीट ब्लॉक ऐड कर दोगे, उसके बाद आप लोगों को इसको यहाँ बैक वॉल से कनेक्ट कर देना है, बैक वॉल से कनेक्ट कर देना है। ओके तो जैसे आप लोगों ने इसको बैक वॉल से कनेक्ट कर लिया, उसके बाद आप लोगों को यूँ ऐसा प्लेस कर देना है, यूँ ऐसे प्लेस कर दो, यूँ ऐसे तो प्लेस नहीं हो सकता, ये ऐसे प्लेस होगा तो ठीक है। यूँ आपने इसको ऐसे प्लेस किया, उसके बाद आप लोगों को एक ऐसे और एक ऐसे, ताकि दोनों ना बराबर पे रहे ठीक है। तो ऐसा बात करना कि ग्लास को इधर शिफ्ट कर दिया, कि वाइट कॉन्क्रीट को इधर शिफ्ट कर दिया, बहुत लोग इसको अपने आप डिजाइन करेंगे, तो अगर आप रिडिजाइन कर भी रहे हो ध्यान रखना ये ऐसे ही आएगा, इसको अपने आप से चेंज मत करना वरना बहुत ही पथेटिक लगेगा ठीक है। नाउ फॉर द व्हाट यू से सीलिंग आई हैव चूजन लैपिस लाजुली एंड आई हैव डार्क फिल्म ब्लॉक, सो लैपिस लाजुली को आप लोगों को क्या कर लेना है, आपको लैपिस लाजुली को बिल्कुल ऊपर आपको यहाँ पे साइड साइड में लगा लेना है ठीक है। और आप लोगों को लैपिस लाजुली को जब पूरे एरिया में आप लोग लगाओगे, उसके बाद जैसे ही आप लोग उसको लगाओगे, उसको आपको उस लेयर को, मैं आप लोगों को एक सैम्पल दिखाता हूँ, उस लेयर को आपको डबल ट्रिपल चबल, तो आपको उसको चार बार आपको इसको हर जगह से वो करना है, क्या बोलते हैं, डबल करना है, और उसके बाद आप लोगों को इसके बीच में डार्क प्रिज्म ब्लॉक लगाना है। तो वन सैम्पल आई विल शो यू व्हेन आफ्टर आई कंप्लीट। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं बता गया हूँ अपनी लेके कि क्या अब करना है, मतलब देखो मैंने ये बना लिया है, मतलब ऊपर आप लोगों को कुछ इस तरीके से बना लेना है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल एजेस एजेस में आप लोगों को ग्लोस्टोन लगा लेने हैं। ग्लोस्टोन ऊपर तो आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो, दैट्स ऑल अपॉन योर चॉइस, आपको वैसा अच्छा लगता है, मैंने तो रैंडमली लगाए हैं, तो ये आपको यहाँ लगा लेना है, और नीचे आप लोगों को ओक वुड प्लैंक लगा लेने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ओक वुड प्लैंक आप जब लगा लोगे, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने पास ये एक मिनट फ्रेंड्स, आपको प्रिज्म आप लोगों को प्रिज्म वॉल और आप लोगों को प्रिज्म स्लैब, ये दोनों अपने पास रख लेने हैं, प्रिज्म स्लैब एंड प्रिज्म वॉल, ये दोनों जब आप वॉल अपने पास रख लोगे, तो मैं आप लोगों को यहाँ का बता दूंगा, पर उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो है ओक वुड प्लैंक लगा लेने हैं, तो मैं आप लोगों से बात करूंगा अब ओक वुड प्लैंक लगाने के बाद। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने ये पूरा का पूरा बना लिया है, तो अब जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को प्रिज्मराइन स्लैब और प्रिज्मराइन वॉल अपने साथ रेडी रखना है, तो उसका मैं आप लोगों को बताता हूँ रीज़न क्या है। प्रिज्मराइन वॉल से आप लोगों को क्या कर लेना है, सबसे पहले तो आप लोग ना एक बैनर ले लो, बैनर, अरे यार, और रेड बैनर, मैं तो रेड बैनर ले रहा हूँ, कोई बैनर ले सकते हो, तो रेड तो बैनर लेने के बाद आप लोगों को क्या कर लेना है, आप लोगों को यूँ कुछ इस तरीके से इसको प्लेस कर लेना है, यूँ आप लोगों को इसको प्लेस कर लेना है, पता नहीं क्या, ये देखो देखो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ये ऐसे प्लेस कर लेना है, तो और इस साइड का हटा दो भले ही,
और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एक एक यहाँ एक यहाँ ठीक है, एक आपको यहाँ से प्रेस कर लेना है, एक यहाँ ऐसे ऐसे ही मतलब ऐसे, तो एक मिनट ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे, और एक आपको यहाँ ऐसे प्लेस कर लेना है, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इसको ऐसे कवर कर लेना है। तो ये कुछ आपकी बन जाएगी कुछ लव सीट टाइप, जो आप लोगों की विंडो के साइड होती है, तो वो आप लोगों की ये यहाँ की बन जाएगी। तो उसके बाद अब आप लोगों को क्या कर लेना है, आप लोगों को इसे पसंद रख लेना है। ये तो मैंने आप लोगों को इस इंटीरियर में बता दिया, क्योंकि मैंने अपने पिछले इंटीरियर में ये बनाया था, जो मैंने उस घर में बनाया था। वैसे तो मैंने बाकी कोई भी इंटीरियर नहीं बनाया है। तो अब चलते हैं हम ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जाने के लिए आप लोगों को ले लेना है हमारे कॉबल स्टोन स्टेयर्स। तो मैं मॉडर्न वो वाला यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए क्या बोलते हैं, मेरा जो है व्हाट डू यू से कॉबल स्टोन स्टेयर्स ही बहुत अच्छी है। पर अगर आप मेरा वाला यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप लोगों को जो स्टेयर अच्छी लगती है वो यूज़ करो, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को पहले ही कह दिया है कि आप लोग मेरे वाले यूज़ करो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ करना क्या है। तो अब आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं ऊपर हमेशा कवर करता हूँ आप लोगों को, जो है आप लोगों को वाइट कंक्रीट ब्लॉक लेके आप लोगों को पूरा यहाँ से, लाइट ग्रे कंक्रीट आप लोगों को लेना है। तो आप लोगों को लाइट ग्रे कंक्रीट ले लेना है, और आप लोगों को पूरा इसे यहाँ कवर कर देना है। तो मैं आप लोगों से मिलूंगा इसे कवर करने के बाद। तो तब तक के लिए बनाते रहो, बनाओ जल्दी बनाओ। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैंने ये पूरा इसको यहाँ से कवर कर लिया है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ऊपर से वाइट मतलब ग्रे ग्रे। उसके बाद आप लोगों को क्या कर लेना है, आप लोगों को इस साइड मतलब जहाँ दरवाजे का ये वाली साइड है, आप लोग देख रहे हो मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, उस साइड आप लोगों को क्या कर लेना है, आप लोगों को इन टोटल 1 2 3 4 5 5 यहाँ, और उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ मतलब एक आपका आएगा बिल्कुल एंड क्या बोलते हैं एक आपकी वॉल आएगी यहाँ से, एक यहाँ से दो ब्लॉक छोड़ के यहाँ, और दूसरा आपका आएगा बिल्कुल एंड में। और नेक्स्ट आपका पिलर आएगा लास्ट का एंड छोड़ के, एक ब्लॉक छोड़ के आपका यहाँ पे दूसरा पिलर आएगा, और नेक्स्ट ब्लॉक और नेक्स्ट आपका, अरे यार, और नेक्स्ट आपकी लाइन जो होगी वो आएगी, दैट विल बी ओवर हियर। ठीक है, और यहाँ पे भी आप लोगों की पूरी दीवार, ठीक है, तो आप लोगों का ये वॉल आ जाएगी। और आप लोगों को क्या करना है इसके बाद, इसके बाद आप लोगों को
ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे यूं इस तरीके से बना लेना है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई क्या है ये, क्या बकवास बना दिया तुमने, बुरा का बुरा, ग्रे 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 ग्रे। रुको रुको जरा, रुको जरा, सबर करो। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे स्प्रूस वुड जो है वो बिछा लेनी है। डजंट मैटर, आप लोगों को तो दिखा तो मैंने वैसे ही दिया है, तो मैं इसको ऐसे भर सकता हूँ, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, जब तक मैं इसको भर रहा हूँ तब तक आप लोगों को थोड़ा सा क्यू एन ए होता है, तो मतलब ये कोई क्यू एन ए नहीं है, आई मीन थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब कुछ मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, मतलब आप लोग ने कुछ मुझसे कमेंट्स करे थे, कुछ कंप्लेंट्स करी थी मेरे लेटेस्ट शॉर्ट पे, और बहुत अच्छा उस पर मेरा वो आया था, क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू से, मेरा उस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा था, कम से कम 1.2K व्यूज और 54 लाइक्स। फ्रेंड्स आई नो बहुत ज़्यादा नहीं है, पर मेरी जैसे यूट्यूबर पे जिसको उसकी वीडियो पे बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं आता, उसके लिए इट्स द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। जो बहुत लोगों को 1.2K तो नहीं मिलता है, बहुत लोगों को नहीं मिलते उनके वीडियो से, और मेरे ऑलमोस्ट दो वीडियोज़ में 1.2 मेरे 1K हो चुके, 1K और इस पर अब 1.2K व्यूज़ हो चुके हैं, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। उस 48 लाइक कुछ थे, 53 लाइक कुछ थे, तो आप लोगों ने बोला था कि मैं तेज ना करूं, तो फ्रेंड्स उसके लिए था कि मैंने शॉर्ट को जान बूझ के तेज किया था, जस्ट बिकॉज उसके ना टाइमलाइन पता नहीं क्यों आई मीन बहुत ज्यादा हो रही थी, विच इज अबव 2, मतलब हाँ 2K भी ऊपर था, तो वो हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। अब आप लोगों को ऊपर के लिए क्या ले लेना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऊपर के लिए आप लोगों को ले लेना है बोन ब्लॉक। अब बोलोगे है बोन ब्लॉक, ठीक है, मतलब होता है बोन ब्लॉक क्यों ले हम, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूँ बोन ब्लॉक लेने का ना एक मतलब है, बोन ब्लॉक थोड़ा सा वाइटिश कलर का है, एंड आई वॉन्ट दैट कलर, मतलब बोन ब्लॉक का कलर बिल्कुल वो है जो मुझे चाहिए अपने रूम के लिए, तो आप लोग बोन ब्लॉक ऊपर ऐसे लगा लो। और हाँ, जिसको पता है फ्रेंड्स, इफ एनीवन नोज हाउ टू एडिट, कि मतलब वाइडर डूड किस, जिसने देख रखा है उसको पता होगा कि उसकी एडिटिंग कैसे होती है, आई मीन मतलब उसने बोला लाइक दिस और उसने फिर वो एडिट कर दिया, तो फ्रेंड्स मुझसे वो पता नहीं वो तरीके की एडिटिंग ना मैंने करने की ट्राई करी है, पता नहीं वो मुझसे होती क्यों नहीं है, और आई थिंक इतनी शॉर्ट क्लिप और जिसको आप मर्ज कर रहे हो देन दैट्स नॉट इन टू माई क्राइटेरिया ऑफ एडिटिंग, तो उसके बाद आप लोगों को इसको हटा लेना है, और आप लोगों को पता है क्या क्या ले लेना है, यू ऑल वेरी वेरी वेल नो कौन सा ब्लॉग हम लेने वाले हैं, तो हम लोग लेने वाले हैं ग्लोस्टोन, तो हम लोग ग्लोस्ट वाह ठीक है, हम लोग 3 यहाँ ऐसे लगाएंगे, तीन यहाँ ऐसे, और बीच में ऐसे, ठीक है, इसके बाद 3 ऐसे और 2 ऐसे, ठीक है, उसके बाद दिस काइंड ऑफ अ टेक्सचर लाइक दिस, सो ये बन जाएगा आप लोगों का मेन रूम, ठीक है। अब इसका इंटीरियर आप लोगों को कल की मेरी वीडियो में मिल जाएगा, पूरा का पूरा इंटीरियर कल की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, क्या करना है उसके बाद आप लोगों को ग्लास पेन ले लेना है, और आप लोगों को यहाँ से बाहर चले जाना है, आई मीन यहाँ से तो बाहर जाना है, डोर उस तरफ निकलेगा, मैंने गलत साइड निकलवा दिया डोर, तो सॉरी उसके लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या ले लेना है, आप लोगों को ग्लास पेन ले लेना है, और आप लोगों को ग्लास पेन पूरी यहाँ पे ऐसे करके लगा लेना है। आई थिंक ये जो मैं अभी क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सबसे बड़ी क्लिप होने वाली है मेरे इस सेशन की, क्योंकि बाकी सारी तो सिर्फ 4-4 सेकेंड, 4-4 मिनट की, 3-3 मिनट की, 2-2 मिनट की, ऐसी ऐसी क्लिप्स हैं। सो या पता नहीं क्या क्या आता रहता है मेरे फोन में, देखो क्वार्ट्ज ब्लॉक, not exactly quartz block, take the block that we have chosen, this is a clay block, okay। अब यहाँ पे ना मैंने बहुत क्यूट सा चीज सोच रखी है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अब आप सोच रहे होगे अगर मैं इंटीरियर तो ना बना के रखा हूँ, काटा क्यों नहीं है,
मैं आप लोगों को अभी कुछ दिखाता हूँ जो मैंने जो आप लोग सोच रहे होंगे, अभी दिखाता हूँ, अभी रुक जाओ, अभी अभी दिखाता हूँ। क्योंकि मैंने कल जब YouTube चेक किया आप लोगों को इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया भाई, मैंने बोला खत्म करो इस वीडियो को, आज इस वीडियो का पहला पार्ट डालो, आज के आज, अभी के अभी, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को ये बन जाएगा ऊपर का और वहाँ पे एक विंडो भी आ जाएगी, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ जो मुझे आप लोगों को दिखाना है ओरिजिनली में। हाँ है, ये तो हमने बनाया नहीं, ये कब बनाना है बताता हूँ, वही बनाना आप लोगों को, बाद में बनाएंगे अभी नहीं, ठीक है। तो ये देखो, ये आप लोगों का मेन घर है जो मैंने आप लोगों से बनवाया है, यहाँ पे तो मैंने बहुत चेंजेस करे हैं आप लोगों के घर में। तो एक मिनट, ड्राइंग, ठीक है। ये देखो कहीं दिख रहा है इंटीरियर, दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, दिख रहा है, ये मैं आप लोगों से कल बनवा लूँगा। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है कहीं, नहीं, क्योंकि मैंने इंटीरियर बनाया ही नहीं है, मैं इंटीरियर बनाता ही नहीं हूँ, मैं पहले जैसे ही डाल रहा होता हूँ मैं डालता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को क्या कर लेना है, आप लोगों को यहाँ पे एक ऐसे लोगों को यू शेप निकाल लेनी है, और उसके बाद आप लोगों को ले लेना है विच इज़ द ग्लास ब्लॉक, और ग्लास ब्लॉक से आपका ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, पहले ग्लास पेन लगाना है ना है, और उसके बाद आप लोगों को लगाना है ग्लास ब्लॉक, दैट गिव्स अ गुड लुक। अगर आप लोगों को ऐसा नहीं करना तो आपकी मर्जी, आप लोग कोई भी वो लगा सकते हो। सो विद दिस आर house architecture is ready, so for the interior wait till tomorrow, I'll upload it anytime soon tomorrow or day after tomorrow, so let me meet you tomorrow when the video will come, so thanks for watching, bye bye, support dena mat bhulna, agar aapne support nahi diya to main le lunga support, chalo bye।